इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, हम बात करेंगे कि सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया। सो वी हैव टू मैथमेटिशियंस, ब्लेज पास्कल 1623 टू 1662, सिमिलरली वी हैव पीरी डी फर्मेट। ये दो ऐसे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया और अपने मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी को यूज किया। प्रोबेबिलिटी की अहमियत क्या हो सकती है? हमारे पास लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसके बारे में हम पुरयकीन नहीं हो सकते कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। लेट से आसमान पे बादल हैं, तो कोई भी ये यकीन से नहीं कह सकता कि क्या बारिश होगी या नहीं होगी। सो इसमें शायद, जो ये शायद का वर्ड है, दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोबेबिलिटी। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वी सी दैट बारिश का होना या ना होना, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, ये चांस है दो इवेंट्स के दरमियान, होने और ना होने के दरमियान। सो वी विल सी दैट देयर इज वन चांस आउट ऑफ टू। होना एक चांस है और ना होना दूसरा चांस है। सो वी हैव टोटल चांसेस दैट विल बी टू। सिमिलरली हम देखेंगे डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल एवेल्युएशन ऑफ अ चांस दैट पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर, कि कोई भी इवेंट जितनी दफा हो सकता है, ये उसकी न्यूमेरिकल मीन नंबर्स में हम बताएंगे, तो उस चीज को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सिक्का अगर हवा में उछाला जाए, या तो उसकी एक साइड आएगी या दूसरी साइड आएगी। लेट से एक साइड को हम हेड्स कहते हैं और दूसरी साइड को टेल्स कहेंगे। सो बराबर का चांस है कि अगर कोई भी सिक्का हवा में उछाला जाए तो या तो उसमें हेड्स आ सकता है, तो 50% चांस, यानी कि 1/2 चांस है कि हेड्स आए। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी उस कॉइन की कि टेल आए, ये भी 1/2 टाइम्स ऑफ द टोटल चांस है। सो कुछ भी पॉसिबल है और ये पॉसिबिलिटी 50% होगी एवरी टाइम।